अब साफ सफाई भी बहुत है, नीट एंड क्लीन। मौसम के माहिरों का कहना है कि 9 जुलाई तक अमरनाथ जी यात्रा के रास्ते समेत कश्मीर में खराब मौसम जारी रहेगा। डिप्टी डायरेक्टर मेट्रोलॉजिकल सेंटर श्रीनगर मुख्तार अहमद का कहना है कि बालतल या पहलगाम के रास्तों में मूसलाधार बारिश की कोई पेशकयासी नहीं है, लेकिन हल्की बारिश आइंदा 2 रोज तक जारी रहेगी। कल जम्मू के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश मुतवक्के है। इन्होंने अभी तक लैंडस्लाइडिंग के किसी भी इम्कान को मुस्तरद किया। अमरनाथ रूट है होली केव तक, फ्रॉम बालताल टू होली केव और पहलगाम से होली केव, इन जगहों पे भी आज मॉर्निंग से ही हल्की बारिशें जो है चल रही है। तो फिलहाल इस पैटर्न का वेदर जो है लगभग 9 तारीख तक रहेगा और कल 8 को जो है खासकर जम्मू डिवीजन के अंदर एक अच्छा स्पेल बारिशों के इम्कान हैं, खासकर जम्मू और एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट, खासकर कठुआ, सांबा डिस्ट्रिक्ट, उधमपुर, रियासी और डोडा किश्तवाड़ के भी कुछ एक ज़िलों में हैवी रेन के चांसेस हैं। बाकी यहाँ वैली के अंदर जो है दरमियाना दर्जे की बारिशें और सेंट्रल और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में या नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्स में जो है हल्की बारिशें, ओकेजनली मॉडरेट इंटेंसिटी की भी बारिशें हो सकती है। 9 तारीख को फिर दरमियाना दर्जे की बारिशें ओवरऑल जम्मू कश्मीर के अंदर होने के इम्कान थे। तो 10 से जो है मौसम जो है फिर से साजगार होगा, गर्मी जो है फिर से बढ़ेगी, ह्यूमिडिटी थोड़ा सा बढ़ेगा और मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग या लेट आफ्टरनून इवनिंग के जो शावर्स होते हैं कुछ एक जगहों पे उसको रूल आउट नहीं कर सकते हैं। फिलहाल जो वेदर है ये 9 तारीख तक जो है इसी पैटर्न का बना रहेगा। शादीपुरा बानीपुरा में अमरनाथ यात्रा ट्रांजिट यात्रा कैंप सरगर्मियों का मरकज बन गया है। ये कैंप सैकड़ों अकीदतमंदों से भरा हुआ है जो गुफा के दर्शन के लिए अपने सफर पर निकल रहे हैं। कोई भी अकीदतमंद भूखा ना रहे इस बात को यकीनी बनाने के लिए मुतादित लंगर अकीदतमंदों के लिए लाइफलाइन के तौर पर काम कर रहे हैं। मुख्तलिफ समाजी और मजहबी तंजीमों ने शादीपुरा यात्री निवास में कई लंगर लगाए हैं। इन लंगरों के मुंतजमीन ने कहा कि अवाम की खिदमत ही खुदा की खिदमत है। यहाँ यात्रियों को मुख्तलिफ किस्म के पकवान बिल्कुल मुफ्त फराहम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ यात्रियों की खिदमत करने से इन्हें खुद को इत्मीनान मिलता है। हाँ जी, हम लोग दर्शन कर कर आए हैं और अभी हम लोग यहाँ पर सेवा कर रहे हैं भक्तजनों की, यात्रियों की। बहुत सुंदर है ऊपर की वादियाँ, झरने, मतलब आप लोग जाओगे तो ना एक जो आपका डेली रूटीन से आपको एक रिफ्रेशमेंट मिल जाता है। बहुत अच्छा सीन है ऊपर का, बहुत काफ़ी ब्यूटी है, नेचर बहुत सारा सुंदर। रेवाड़ी हरियाणा से हूँ और मेरा ये पहला दर्शन है, मैंने पहली बार यहाँ पे आके दर्शन किए हैं बाबा जी के, बहुत सुंदर दर्शन किए हैं। यहाँ पे सेवा करके भी बहुत अच्छा लग रहा है, उम्मीद करती हूँ हर बार यहाँ पे आए और सेवा करें। रेवाड़ी शिव भक्ति अमरनाथ सेवा दल के रेवाड़ी शाखा का प्रधान हूँ। हम लगातार 2012 से अमरनाथ यात्रा कर रहे हैं और पिछले 8 वर्षों से शिव भक्ति अमरनाथ सेवा दल अब लंगर के रूप में श्रद्धालुओं के लिए अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स की मौत हो गई है। 40 साल शख्स जुमे की सुबह कुलगाम के इलाके गुडर में आसमानी बिजली उस पर गिरी। मकामी लोगों ने उसे करीबी अस्पताल मुंतकिल किया। डॉक्टरों ने जांच के बाद उस शख्स को मुर्दा करार दिया। ये तो लाइटिंग स्ट्राइक हो गई है आज सुबह ही, तो यहाँ मौसम गुदर में और एक शख्स की बहुत वाका हो गई है और शख्स का नाम है अब्दुल हमीद खान सनाफ गुलाम हसन खान और मौके पर इसकी डेथ हो गई है और मैं यहाँ पर इस वक्त मौजूद हूँ बगैतपुर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कुलगाम की तरफ से, जिस साहब की हिदायत के मुताबिक और मैं यहाँ का नायब तहसीलदार हूँ, मैं यहाँ पर मौके पर इस वक्त खुद मौजूद हूँ। जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ वो हम अभी करवा रहे हैं, मैंने SHO दूसर को भी इन्फॉर्म किया है, ही इज़ ऑन वे, अभी आ रहा है वो भी, तो देख लेते हैं आगे से। खबर रामबन से, रामबन की SSP मोहिता शर्मा ने इतला दी है कि दुलहस्ती डैम के